प्रणाम। श्रीमद् भागवतम्। प्रणाम पूज्य गुरु जी स्वामी चिन्मयानन्द जी। प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानन्द जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। प्रणाम हम सबके हृदय में विराजे भगवान श्री कृष्ण को, जो स्वयं भागवत स्वरूप हैं, जो इस कथा को कह रहे हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, सभी वास्तव में श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। लव यू माँ। चलिए, आज हम देखते हैं विदुर जी तथा मैत्रेय ऋषि का क्या संवाद हुआ। यहाँ पर शुकदेव जी कहते हैं, तब विदुर जी मैत्रेय ऋषि जी से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े, लेकिन मैत्रेय ऋषि कहाँ मिलेंगे यह उन्हें पता नहीं था। मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर विदुर जी ने उन्हें देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वन यद उपरमं वा विंदेत भूयास्ततः एव दुखम यद अत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। यहाँ पर ये किसने कहा? विदुर जी ने कहा। सो विदुर उवाच। अब उन्होंने क्या कहा? सुखाय कर्माणि करोति लोको। तो सुखाय का मतलब अटेनिंग हैप्पीनेस, प्रसन्नता प्राप्त करना, कर्माणि जो हमारे कर्म फल होते हैं, करोति कार्य करना, लोको इस संसार में। फिर है न तई सुखम। न तई ने, न का मतलब नहीं, तई इसका मतलब हुआ बाय दोज एक्टिविटीज। सुखम, सुखम एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस। एंड उसके बाद आता है व अन्यत। व का मतलब होता है और, या अन्यत का मतलब होता है डिफरेंटली, अलग से। उपरमम, उपरमम का मतलब होता है सैटिएशन, जिसे आप कहेंगे निश्चिंतता, ठीक है, सैटिएशन। वा का मतलब हुआ फिर से आइदर, ये या वो। विंदेत भूयस्ततः एव दुखम। विंदेत मतलब अचीव करना, प्राप्त करना। भूय इसका मतलब हुआ ऑन द कॉन्ट्रेरी, ततः इस तरह की गतिविधियों से, एव इस ऐसा ही, सर्टेनली। दुखम, दुखम का मतलब हुआ दुख, माइजरीज, कोई भी जीवन में कष्ट। यद अत्र, यत दैट विच, अत्र हेयर, या किस जो भी हमारी परिस्थितियां हैं उसमें। युक्तम, युक्तम का अर्थ हुआ सही जो रास्ता है, दैट इज युक्तम। भगवान, हमारे भगवान वदेत नह। वदेनह मतलब वदेत नह। वदेत मतलब वो हमें एनलाइटन करें। नह, नह का मतलब हुआ यहाँ पर अस, हमें, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन उनको सुख मिलता नहीं है। इतना ही नहीं, विंदित भूयस्ततः एव दुखम, और ज्यादा दुख ही प्राप्त होता रहता है। अतः सुख प्राप्त करने के लिए जो युक्त, समीचीन, सही बात हो या सही मार्ग हो, वह है आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे लिए आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप जैसे भक्त का दर्शन संग बड़ा दुर्लभ होता है, इसलिए आप मुझे भगवान के बारे में सब कुछ बताइए। इतना मैं जानता हूँ कि भगवान को जाने बिना, भगवान से प्रेम किए बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे सामान्य रूप से जानना एक बात है और विशेष रूप से जानना दूसरी बात है। आप विशेष रूप से यह बात मुझे बताइए। जब विदुर जी ने ऐसा पूछा तब इसके बाद आगे आता है यहाँ पर कस्तृपनुयात तीर्थ पदो अभिधनात् शत्रेषु वह सूरिभि इदम मनात य कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिन्नति। इसका अर्थ ये हुआ, कह सबसे पहले आता कह हु इज दैट मैन, देन उसके बाद आता है तृप्नियात जिसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, तीर्थ पदह जिसके जो पवित्र चरण हैं वो सभी तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ पदो। देन आता है अधिभनाथ, अधिभनाथ का मतलब होता है जिसकी बातों से, जिसकी टॉक से। सत्रेशु, सत्रेशु का मतलब होता है इन द ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज में। वह का मतलब जो है। सुरभि, सुरभि का मतलब होता है बाय जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, ठीक है। सुरभि, सुरभि के बाद आता है इदे इदयमनाथ, इदयमनाथ का मतलब होता है जिसकी पूजा की जाती है, बड़े बड़े भक्तों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है। यह जो कर्णनाड़िम, कर्णनाड़िम मतलब जिसके कानों में छेद है, पुरुषस्य यातो ऐसे पुरुष के अंदर एंटर करना। भवप्रदाम, भवप्रदाम का मतलब होता है जो हमें ये संसार को प्रदान करते हैं, मतलब जन्म और मरण को प्रदान करते हैं। गेहरतिम, गेहरतिम मतलब जो परिवार का रति, रति परिवार के साथ जो आपका अफेक्शन है। छिन्नति, जो इस परिवार के साथ अफेक्शन को भी कट ऑफ करते हैं, डिटैचमेंट करवाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ जो भगवान कर्ण द्वार से हृदय में प्रवेश करके मन के मैल को दूर कर डालते हैं, ठीक है। जो भगवान मतलब हम जब इनकी महिमा सुनते हैं तो हमारे मन के मैल को दूर कर डालते हैं, प्रेम को उत्पन्न करते हैं। भला उनकी कथा से किसे वैराग्य होगा? कौन उस कथा को सुनना नहीं चाहेगा? आप मुझे उनकी सब बातें बताइए। यह सुनकर मैत्रेय ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वे कहने लगे, तुमने ऐसा सुंदर प्रश्न पूछा है कि इससे भगवान का यश चतुर्दिक, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में सब और फैल जाएगा। इसलिए भगवान से भी उनके भक्त महान होते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। भगवान चंदन के पेड़ के समान है तो भक्त वायु के समान है। चंदन तरु हरिसंत समीरा, ऐसा श्री रामचरित मानस में कहा गया है। वायु बहती है तो चंदन की सुगंध को सब और फैला देती है। अतः भक्त भी भगवान के यश को सब और फैला देता है। आप भी ऐसे ही सब भक्तों में से हैं, तो आप भी भगवान का यश, भगवान की कथा सब तरफ फैलाइए। आगे सृष्टि का वर्णन आता है। अन्य देवताओं में ये शक्ति नहीं थी कि वे स्वयं आगे कुछ काम कर सकें, इसलिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तब भगवान अपनी काल शक्ति को प्रेरित कर इन देवताओं को भी सामर्थ्य प्रदान करते हैं जिससे कि वे आगे की सृष्टि का निर्माण कर सकें। तब आगे वहां पर बताया गया, स एवं भगवान पृष्ठ शत्रुवा कोशार विमुनि, इसका अर्थ ये हुआ, ये श्री शुकदेव जी ने कहा है, तो इसका ये मीनिंग हुआ सह एव। सह मतलब वह, एव मतलब जो, सह एवं, एवं मतलब ये, भगवान, भगवान का अर्थ भगवान हुआ। देन पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब हुआ जिनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। शत्रवा का मतलब हुआ बाय विदुर जी, विदुर जी के द्वारा। कोशार विमुनि, कोशार विमुनि मैत्रेय ऋषि के बारे में कहा गया है। भगवान की इस शक्ति का, माया शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है, इस प्रकार वर्णन करते हुए उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही। वो विचित्र बात क्या कही? अतो भगवतो माया माई नाम अपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मवर्त्मात्मा न वेद किमुतापरे। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में देखें तो इसका मीनिंग होता है, कि भगवान की माया सबको मोहित कर देती है। अपनी माया की गति को भगवान स्वयं भी नहीं जानते। अतो भगवतो माया माई नाम अपि मोहिनी, कि अपनी माया की गति को भगवान स्वयं भी नहीं जानते। यत् स्वयं च आत्म सर्वात्मा न वेद किमुतापरे। अब ऐसी बात सुनने पर बड़ी विचित्र लगती है। भगवान की माया बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ कहा कि भगवान भी अपनी माया की गति को नहीं जानते। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो वाक्य बोले गए हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। अब ऐसा कहा कि अपनी माया की गति को भगवान नहीं जानते, तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि भगवान की माया कितनी प्रबल है, यह एक बात है। दूसरी बात है अनंत तत्ववाद, ये वह अनंत निमित्तों से, अनंत कारणों से हमें मोहित कर देती है, अनंत माध्यमों से। उसकी गति अनंत है, उसे स्वयं भगवान भी नहीं जानते। किसी बात को कहने का यह एक तरीका है, जैसे कोई कार चला रहा हो और स्टीयरिंग छोड़ दे, तो फिर वह क्या बता सकता है कि कार कहाँ जाएगी। कोई कहे अरे भाई तुम तो ड्राइवर हो, क्या तुम नहीं बता सकते कि कार कहाँ जाएगी, तो कहना पड़ेगा नहीं बता सकते। एक बार स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लिए तो उसके बाद कुछ नहीं बता सकते। भगवान की माया की गति अनंत है, प्रबल है, यही इसका तात्पर्य है। इसलिए मायापति भगवान का भजन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद विदुर जी ने एक बड़ा शास्त्रीय और परिभाषिक प्रश्न पूछा है। वे कहते हैं, भगवान, आपने कहा कि भगवान अविकारी है और वह माया शक्ति से ही सारी सृष्टि बनाते हैं। जो अविकारी सच्चिदानंद भगवान है उनको माया का स्पर्श हो ही कैसे सकता है। माया का संबंध उनके साथ कैसे हो सकता है। इस पर मैत्रेय ऋषि हंसते हुए बोलते हैं कि तुमने बड़ी अच्छी बात कही, और बोले इसी को तो माया कहते हैं। तो यहाँ पर तृतीय स्कंध के 7वें अध्याय में बताते हैं, स्वयं भगवतो माया यन्नेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत्तः बंधनम। इसका अर्थ ये हुआ, श्री मैत्रेय जी, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, से अयम सच भगवतो माया। से अयम का मतलब है जो इस तरह का वाक्य है, ये भगवान की माया जो उनका इल्यूजन है, यत यत नाएन, जो नाएन का मतलब तर्क से विरुद्धते, जो तर्क से विरुद्धते बिकम कॉन्ट्रडिक्टरी, ईश्वरस्य भगवान के विमुक्तस्य है। विमुक्तस्य का अर्थ हुआ कि जो हमेशा के लिए मुक्त है। कार्पण्यमुक्त, कार्पण्यम इनसफिशियंसी एंड उतः ऑल्सो बंधनम जो कि बॉन्डेज है, बंधन। तो इसका पूरा अर्थ हम देखें, माया की ये सबसे अधिक अच्छी परिभाषा है। ये माया सभी तर्कों को उठाकर फेंक देती है। तर्क से भी जो समझ में नहीं आती उसी को माया कहते हैं। माया पर किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं चलता। परमात्मा अविकारी है, उनमें विकार कैसे हो सकता है? उनके साथ माया का संबंध नहीं हो सकता, इसलिए हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है। अतः उसे न सत्य कह सकते हैं न असत। यहाँ तर्क कुछ काम नहीं करता, किंतु वस्तु का होते हुए भी नहीं दिखना और जो न हो उसका न होकर भी दिखना, इसी को माया कहते हैं। सब कुछ भ्रम ही भ्रम है, लेकिन हम इन सब प्रश्नों को माया में रहकर पूछते हैं, अतः उनका उत्तर भी नहीं मिलता। परंतु जहाँ परमात्म तत्व के प्रति जाग जाते हैं वहां माया नहीं बचती। जैसे स्वप्न से सब जाग जाते हैं तो स्वप्न की माया नहीं रहती, लेकिन स्वप्न में रहकर स्वप्न के बारे में पूछें तो कोई उत्तर नहीं मिलता। उस निर्वचनीय माया के योग से ही भगवान सृष्टि रचते हैं। अब जैसा कि हम देख चुके हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्नों की एक लंबी सूची दी थी शुकदेव जी को। अब यहाँ वर्णन आता है कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से उन्हीं सब प्रश्नों को पूछते हैं, सृष्टि, लोक, देवता आदि के विषय में। तब मैत्रेय जी कहते हैं, ये प्रश्न पहले भी पूछे गए थे। आदि शेष संकर्षण भगवान ने यह ज्ञान सनत कुमारों को दिया। सनत कुमार ने संख्यायन ऋषि को, सांख्यायन ऋषि ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने ये ज्ञान मुझे दिया था। पुलस्त ऋषि ने वेद व्यास जी से कहा था कि मैत्रेय ऋषि अच्छे शिष्य हैं, उनको यह ज्ञान करा देना। वही ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। आगे भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का आदेश देते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मेरी माया आपको नहीं सताएगी। तब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण कार्य में लग जाते हैं। अब यहाँ एकादश अध्याय में विशेष रूप से काल की गणना की गई है। सब छोटा काल है, परमाणु, तत्पश्चात अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, लव, निमेश, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़िका, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, अयन और फिर वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। सतयुग में 17 लाख 28,000 वर्ष होते हैं। त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष और कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। 4 युगों का एक महायुग होता है। ऐसे 1,000 महायुग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। एक एक मनु का काल मनवंतर कहलाता है। वह 71 महायुगों से कुछ अधिक होता है। 1,000 महायुगों की ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा जी की ये 100 वर्ष की आयु भगवान नारायण का निवेश, आंख बंद करना और खोलना है। ब्रह्मा जी भी लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है, काल का अनुसंधान करते जाएं तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। काल नामक की पृथक कोई चीज नहीं रहेगी, कालातीत हो जाएंगे। वास्तव में ये काल पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। अब यहाँ एक विचित्र बात आती है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचते हैं तो अपने कान, आंख, जांघ आदि से रचते हैं। प्राय जब हम ऐसी बातें पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि ये सब क्या है, ये मानव सृष्टि है। जब हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो सोचो उस स्वप्न को हम कहाँ से रचते हैं। यह कोई बता सकता है? कान से, नाक से, कहीं से भी कहो तो क्या अंतर पड़ता है। आगे वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे तो सबसे पहले उन्होंने सनत कुमारों को बनाया। उन्होंने जब सनत कुमारों से सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा तो वे बोले, नहीं भगवान, हम तो भगवान का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। क्रोध को भी उन्होंने ही बनाया है। पुत्र जब पिता की बात नहीं मानता तो गुस्सा आ ही जाता है। तब उन्होंने क्रोध किया और उनकी भौहें चढ़ गई तो उससे एक नीले और लाल रंग का बालक प्रकट हुआ। प्रकट होते ही रोने लग गया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू रोता क्यों है? तो वो बोले, मेरा नाम बतलाइए और यह भी बतलाइए मैं कहाँ रहूं। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा, जन्म लेने से ही तुम रोने लगे, अतः तुम्हारा नाम रुद्र होगा। ब्रह्मा जी ने उसे रहने के लिए स्थान दिया और अनेक पत्नियां भी दे दी। फिर कहा कि जाओ अब तुम सृष्टि करो। तब उसने जो सृष्टि की वह बड़ी भयंकर होने लगी, सबको संताप देने लगी। ब्रह्मा जी बोले, यह कहाँ हो गया, क्या हो गया? कभी सृष्टि बनाने को कहना पड़ता है तो कभी रोकने के लिए कहना पड़ता है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम ऐसे सृष्टि की रचना बंद कर दो और अब जाकर थोड़ा तप करो। तो उसने नमस्कार किया और ध्यान करने के लिए चला गया। मरीचि रत्र्याः अंगिरसौ पुलस्तस्य पुलह क्रतुः भृगु वशिष्ठो दक्षश्च दशम तत्र नारदः। उसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प से ही मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्तस्य आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम सब सृष्टि को बढ़ाओ। आगे एक स्थान पर वर्णन आता है कि सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बनाया तो सरस्वती जी उनकी कन्या हो गई। अब वे उसी पर मोहित हो गई। ये देखकर उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप ये कैसा अनर्थकारी संकल्प कर रहे हैं, ऐसा तो पूर्व में किसी ब्रह्मा ने नहीं किया। लोग जब ऐसा वर्णन पढ़ते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें लगता है ब्रह्मा जी और ऐसी बात, ये कैसा काम करते हैं। वैसे देखो, नारायण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मेरी माया तुमको मोहित नहीं करेगी। अतः पुराणों की इन बातों को विचारपूर्वक समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रसंग से यह दर्शाया गया है कि हमें अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम किसी पर मोहित हो सकते हैं। बलवान इंद्रिग्रामा विद्वांसम अभिकर्षति। विद्वान लोग भी मोहित हो सकते हैं, यही नहीं वे किसी पर भी मोहित हो सकते हैं। अब देखो, ये ब्रह्मा जी क्या हैं? सूक्ष्म समष्टि ही ब्रह्मा जी का शरीर है, अतः उन्हीं से समस्त समष्टि के संस्कार व्यक्त होते हैं। समष्टि संस्कार ही उनकी उपाधि है। तो सृष्टि में ऐसे लोग जिन्हें किसी पर भी मोह हो जाता है, हुए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुए हैं। महाभयंकर लोग हुए हैं, उनके भी संस्कार प्रकट होते हैं। देखो, हमारे जागृत मन में जिस प्रकार के संस्कार होते हैं वैसे ही स्वप्न में प्रकट होते हैं ना, तो उसमें गंदे संस्कार भी प्रकट होते ही हैं। जो संस्कारों का भंडार है, निधान है, वहीं से सारे संस्कार प्रकट होंगे। सृष्टि प्रकट होगी तो काम का संस्कार प्रकट हुआ, क्रोध का संस्कार प्रकट हुआ, वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, विद्याएं, व्याहृतियां, प्रणव अक्षर, ईश्वर यज्ञ दान तप धर्म आश्रम आदि सारे के सारे ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए। नारायण भगवान से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की सृष्टि रचते हैं। तथापि जब उन्होंने देखा कि मानव सृष्टि टिकती नहीं तो उन्हें यह बात अनुभव सिद्ध हो गई कि भौतिक आधार के बिना यह सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती। सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं हो रहा है, इस बात से वे चिंतित थे। वे इस विषय में सोच ही रहे थे कि इतने में उनके शरीर दो भागों में विभक्त हो गया और उन भागों से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी उन्हें आदेश देते हैं कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। आगे तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में वराह अवतार का वर्णन आता है, जिसे हम कल विस्तार से देखेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सबका मन रमा रहे, हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, हमें उनके भक्ति बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।